नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ। तो हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं पेशा एक्ट। जी हाँ, पेशा एक्ट जिसको आप जानते हो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। आज यानी 15 नवंबर 2022 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पेशा एक्ट पूर्ण रूप से लागू होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, महामहिम राष्ट्रपति जी वर्तमान में यहाँ पर आज के दिन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आई है और आज ही यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा और ये वर्तमान में संपूर्ण भारत के 10 राज्यों में लागू है और उसमें से हमारा एक प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार 4 दिसंबर को ये पेशा एक्ट कुछ जिलों में लागू किया गया था, लेकिन आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस पेशा एक्ट को लागू किया गया है जो ग्रामीण जनजातीय समुदाय को अधिकार संपन्न बनाता है और ग्राम सभा को यहाँ पर संपूर्ण अधिकार प्रदान करता है आपका पेशा एक्ट। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पंचायत के माध्यम से, इस पंचायती राज के तहत पेशा एक्ट के क्या क्या पावर ग्राम सभा को दिए जाएंगे। तो आज यानी 15 नवंबर से पेशा एक्ट लागू होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात हम अगर बात करेंगे कि ये मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय को अधिकार संपन्न बनाएगा, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ जनजातीय आदिवासी समुदाय को शिवराज सिंह सरकार अधिकार संपन्न बनाने जा रही है और जनजातीय क्षेत्रों में ये जनजातीय क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से लागू होगा और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार, जी हाँ शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार यहाँ पर लक्ष्मण सिंह मार्कम द्वारा यहाँ पर कुछ इस पेशा अधिनियम से संबंधित जानकारी साझा की गई है और उस जानकारी को मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ कि यहाँ पर इस पेशा एक्ट के तहत जो जल जंगल जमीन के तहत ये जो तीन शब्द मैं बोल रहा हूँ, जल जंगल जमीन, इन तीनों में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं आदिवासी समुदाय को, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पर जमीन शब्द के साथ और वही बात दोस्तों ये कि पेशा नियम अनुसूचित क्षेत्रों में यानी जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा पंचायती राज के तहत। किसके तहत? पंचायती राज के तहत। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के भाग नौ में आपको एक प्रावधान मिलता है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का, इसी पंचायती राज इसी भाग नौ को और अधिकार संपन्न बनाएगा कहाँ पर? जनजातीय क्षेत्र में। कौन सा एक्ट? पेशा एक्ट। और एक और बात करूँ, वर्तमान में यह कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में। हमको सारी बातें पता है, लेकिन ये जो आज लागू हो जाएगा इसके तहत क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे उस पे हम बात करेंगे। तो मैंने अभी आप सभी के सामने तीन शब्द बोले थे, जल जंगल जमीन, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जमीन के अधिकार में जनजातीय समुदाय को क्या दिया जाएगा। तो बात करें हम जमीन का अधिकार या जमीन अधिकार कानून में, जमीन यानी भूमि का अधिकार। किसका अधिकार? भूमि, जो आपकी भूमि का अधिकार है मुख्य तौर पर सशक्त बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर जो भूमि या जमीन के प्रबंधन से संबंधित अधिकार है उसको और ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा इस एक्ट के तहत। और जो ये लागू होगा वही बात अनुसूचित क्षेत्रों में, और अनुसूचित क्षेत्रों में जो क्या होगी? ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की अनुमति के बगैर या ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी जमीन संबंधित कार्य यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। वही बात लिखी है कि पंचायत राज व्यवस्था को क्षेत्र की मिट्टी के कटाव, जल संचयन की व्यवस्था कृषि विभाग के माध्यम से करने का अधिकार होगा, यानी यहाँ पर ये जो कार्य होंगे और ये कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्य किया जाएंगे, यानी यहाँ पर अपने हिसाब से कृषि विभाग कोई भी कार्य नहीं कर सकता है जनजातीय क्षेत्रों में, यानी कृषि विभाग को जनजातीय क्षेत्र में कोई भी काम करना है तो ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। अगर इसके अलावा और बात करें हम यहाँ पर कि जनजातीय क्षेत्रों में दोस्तों जितने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर बात करूँ मैं खसरा, खतौनी, इसके अलावा रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ों पर भी
इन सारी चीजों पर भी किसका अधिकार होगा? ग्राम सभा का। वही बात लिखी है यहाँ पर कि जनजाति इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी भू अभिलेख हैं वहां पर किसका अधिकार होगा? ग्राम सभा का। और आदिवासियों को उस वित्तीय वर्ष में नक्शा और खसरा, वही अभी मैंने बताया था, खसरा खतौनी, जिसमें यहाँ पर संपूर्ण गांव की जानकारी होती है, यही खसरा खतौनी या इसे हम पट्टा पावती या ये सब जानकारी रजिस्टर में हमको मिलती है। ये सब कार्य ग्राम सभा की परमिशन से होंगे। अब यहाँ पर जनजातीय समुदाय को बार बार तहसील या कार्यालय, जिसे आप बोलते हो SDM कार्यालय, जाना नहीं पड़ेगा। ये कार्य आपके जितने भी है ग्राम सभा में ही संपन्न कराए जाएंगे। स्पष्ट लिखा है इससे जनजातीय वर्गों को तहसील नहीं जाना पड़ेगा और गांव की जमीन से संबंधित मामले, गांव की जमीन से संबंधित मामले, ध्यान से सुनना, ग्राम सभा, जी हां ग्राम सभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 ए में किया गया है, यही कर दिया जाएगा। और ये कार्य यहाँ पर आपको पटवारी भी उपस्थित रहेगा और पटवारी के द्वारा ये कार्य आपके संपन्न कराए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जमीन में और बात करें हम यहाँ पर कि अगर किसी की जमीन नीलाम हो रही है तो ग्राम सभा इस जमीन को आदिवासी को वापस दिला सकेगी। अगर किसी की जमीन नीलाम हो जाती है और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, चाहे वहाँ से कोई हाईवे निकल रहा हो या कोई वहाँ पर किसी भी प्रकार का शासकीय कार्य किया जा रहा हो, तो वहाँ पर अनुमति लेना होगी किसकी? ग्राम सभा की। तो जमीन से संबंधित। आगे मैं बात करूँ दूसरा अधिकार, जल अधिकार। अब जल पर भी दोस्तों यहाँ पर जल पर भी अधिकार दिए गए किसको? ग्राम सभा को। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कि जनजाति समुदाय का जल एक आजीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल के दो माध्यम से यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते, सिंचाई की जाती, साथ ही साथ यहीं पर जल में यहाँ पर मछली पालन जैसी गतिविधियों को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तो इस पर भी किसका अधिकार रहेगा? किसका अधिकार रहेगा भाई? ग्राम सभा का। तो 0 से 10 हेक्टेयर के तालाब पर ग्राम पंचायत, 10 से 100 हेक्टेयर तक के तालाब पर जनपद पंचायत और 100 से 500 हेक्टेयर तक के तालाब पर जिला पंचायत के यहाँ पर अधिकार मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे आपने देखा जमीन जल, वैसे ही यहाँ पर जंगल पे भी किसका अधिकार रहेगा? जनजाति समुदाय की ग्राम सभा का। जैसे कि हम यहाँ पर जंगल से प्राप्त करते प्रमुख रूप से बात करें हम तेंदुपत्ता की, तो जो तेंदुपत्ता की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस पर भी अधिकार ग्राम सभा का होगा। इस तेंदुपत्ता की बिक्री पर ग्राम सभा की अनुमति से ही कार्य किया जाएगा। बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई भी कार्य यहाँ पर संपन्न नहीं किया जाएगा। तो तेंदुपत्ता की बिक्री पर भी यहाँ पर किसका अधिकार रहेगा? ग्राम सभा का, यहाँ पर लिखा। और हम भाई जंगल से क्या प्राप्त कर सकते? अन्य प्रकार के खनिज का टेंडर वगैरह जो भी लेना है यहाँ पर पहले परमिशन ली जाएगी ग्राम सभा की। तो इस प्रकार हमने देखा कि जल पर, जंगल पर और जमीन पर किस प्रकार से जनजाति समुदाय की ग्राम सभा का अधिकार होगा। इसके अलावा और भी प्रावधान है। जैसे मैं बात करूं कि जनजाति समुदाय के सामने एक रोजगार बड़ी समस्या है, इस रोजगार के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता दिखता है, तो इस पलायन को रोका जाएगा। न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी, यानी एक यहाँ पर ये तक कहा गया कि मजदूरी को लिख दिया जाएगा, इतनी मजदूरी ही आपको देना ही पड़ेगी, यानी मजदूरी का बोर्ड भी लगा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मरकाम साहब के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा अवैध साहूकारी, जो अवैध कर की वसूली यहाँ पर की जाती है, अवैध कर की वसूली साहूकारों के द्वारा की जाती है, इसको रोका जाएगा। और जितनी भी शराब की दुकानें आपकी ग्राम सभा में या गांव में होती है उसके लिए पहली परमिशन लेना पड़ेगी ग्राम सभा की, कि ग्राम सभा की परमिशन के बिना उस गांव में शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। तो कुछ बातें अभी हमारे यहाँ पर पैसा एक्ट की यहाँ पर सामने आई थी, तो मैंने वो जानकारी आप सभी के सामने साझा करी है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत जो समितियाँ बनाने की बात चल रही है वो अभी हमारे पास यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने कोई यहाँ पर हमको सोर्स नहीं दिया है। जैसे ही वो हमको मिलता है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जो जनजातीय समुदाय को अधिकार संपन्न बनाता है, वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में भी आज 15 नवंबर 2022 को लागू होने जा रहा है। तो
उम्मीद करता हूँ जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार साथियों।